तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू टेक्निकल में। दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि जो ड्रीम स्टोरी वाला जो करेक्टर होता है जिसका माउथ ओपन होता है वो आइडल पोजीशन में होता है, तो उस टाइप का जो करेक्टर है वो बनाना सिखाइए जिसका माउथ ओपन हो। और साथ में दोस्तों जो वॉइस है वो वॉइस कहाँ से लें जैसा कि मैं अपने स्टोरी में यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों वॉइस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब में, वहां से आपको करेक्टर दिखा देते हैं जो ड्रीम स्टोरी का जो माउथ ओपन होता है और आइडल पोजीशन में होता है। तो हम चलते हैं ड्रीम स्टोरी चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं ड्रीम स्टोरी टीवी एडवेंचर चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको करेक्टर देखने को मिल रहा होगा। देखिए हम इसको ऐसे करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये करेक्टर देख लीजिए, यहाँ पर ये करेक्टर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए करेक्टर का जो माउथ है इस टाइप में ओपन है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी टाइप का जो करेक्टर है उसका माउथ ओपन वाला बनाना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और साथ में लेडीज़ का जो वॉइस है वो कहाँ से ले जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने IBIS पेंट ऐप पर, वहाँ पर आपको इस टाइप का ओपन माउथ वाला करेक्टर है वो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं IBIS पेंट ऐप पर। यहाँ पर आपको माई गैलरी पर चले जाना है, नीचे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का रेशियो खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये वाला रेशियो आपको क्लिक कर लेना है, 4096 का 4K रेशियो। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने ले लिया है, लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जो रेशियो है वो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों हमको सिंपली करेक्टर लेकर आना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना है मेरे पर। जाने के बाद दोस्तों आपको सबकी यहाँ पर देखिए हमारी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से जो अपना करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो करेक्टर है वो आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमको सबकी क्या करना है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपको ऐसे करके रख देना है। रखने के बाद दोस्तों देखिए ऐसे करके आपको यहाँ पर बिल्कुल इसको अटैच कर देना है, देखिए बिल्कुल फुल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ग्रीन टिक कर देना है। जैसे ग्रीन टिक करोगे तो थोड़ा सा एक पॉपअप खुलकर आएगा, उसको आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए पॉपअप खुल के आने वाला है, ये देखिए आ चुका है, यहाँ से कैंसिल करना है और ऐसे देख करके आ जाना है, देखिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ये करेक्टर आप देख सकते हो, ये देखिए ये करेक्टर मैंने खुद बनाया है। तो ये करेक्टर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस करेक्टर को यूज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे क्या करना है, अपना ड्रीम स्टोरी चैनल वाला जो ओपन माउथ है वो बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम जहाँ पर माउथ के सेक्शन पर आ जाते हैं, ये देखिए माउथ बने हुए, तो यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखिए हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 नंबर की जो लेयर है वो बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये 3 नंबर की जो लेयर है हमको सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए ब्लू ब्लू कलर का है, यही सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्रश पे जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों ये देखिए ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉल पॉइंट पेन आपको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऊपर उंगली का आइकन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ जाएंगे और ये कर्व टूल वाला जो एस वाला है यहाँ से देखिए नीचे सेकंड लास्ट वाला, ये देखिए ये वाला आपको ले लेना है। तो अब ऐसे करके साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना जो माउथ है वो डिज़ाइन करना है, सबसे ऊपर पर डिज़ाइन करना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो माउथ है इसी पर आपको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इसको ऐसे करके जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम ऐसे ऐसे करके इसको डिज़ाइन, पहले हम यहाँ पर ऐसे कलर पिक कर लेंगे, ये देखिए इस पर होल्ड टाइप करेंगे होल्ड पर और ये कलर हमारा पिक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए हमको ऐसे से बना लेना है, देख लीजिए। तो यहाँ दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप में हमको बना लेना है, ये देखिए हमारा बन चुका है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइम बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन टिक कर देना है, ठीक है। ये ग्रीन टिक हो चुका है, होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम दिखा देते हैं किस टाइम बना है। तो हम यहाँ लेयर पे जाएंगे और ये नीचे वाला जो करेक्टर है इसको हम हाइड कर देंगे। देखिए इस टाइप का आपको बना लेना है, ये देख लीजिए, ठीक। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है ब्रश पे, बकेट पे जाना है, इस पर कलर फिल कर देना है। तो ये देखिए कलर हमारा जो है वो फिल हो चुका है। होने के बाद दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे बकेट पे और यहाँ ब्रश पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए एयर ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए एयर ब्रश हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, ये जो कलर है कलर को हल्का सा डार्क कर देना है, ये देखिए ऐसे करके आप डार्क कर दोगे इस टाइप में, ठीक है। डार्क करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमको उंगली के आइकन पर जाकर इसको ऑफ कर देना है, ये देखिए ऐसे करके हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये साइज हमारा, ठीक। अब हम यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ पर शेड दे देना है, देख लीजिए ऐसे ऐसे करके हमको शेड देना है, देख लीजिए। आसानी से बहुत इजी तरीका है दोस्तों इस टाइप का करेक्टर ओपन माउथ का बनाने का, देख लीजिए ऐसे ऐसे करके आपको शेड दे देना है, देख लीजिए।
तो यहाँ दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का हमने शेड दे दिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सिर्फ यही हमारा है। अब हम दोस्तों लेयर पे जाएंगे और ये वाला करेक्टर जो है नीचे वाला, इस करेक्टर को हम ऐसे करके अनहाइट कर देंगे। ये देखिए अनहाइट करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप में आ जाएगा। हम दोस्तों फिर से लेयर पर जाएंगे और ये नीचे वाला करेक्टर का लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम ब्रश पे जाएंगे और ऐसे करके यहाँ पर इरेजर पर चले जाएंगे। इरेजर पर जाने के बाद दोस्तों ये देखिए इरेजर हमको सिंपली इस पर ऐसे करके इरेज कर लेना है। दोस्तों इरेज करने से पहले एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए आपको करेक्टर के लेयर को सेलेक्ट करना है तभी इरेज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप में हमारे जो करेक्टर का माउथ है ऊपर वाला ऐसे बना लेना है। देख लीजिए, हम फिर से दिखा देते हैं इस टाइप में। ठीक, और बाकी को हमको ऐसे ही नॉर्मल रखना है। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए हम इस पे जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने क्रोमा टून एप्लीकेशन में, वहाँ से अपना जो करेक्टर है वो दिखा देते हैं कि ड्रीम स्टोरी TV चैनल की तरह बिल्कुल ओपन माउथ वाला बना है कि नहीं बना है। तो हम चलते हैं क्रोमा टून एप्लीकेशन में। यहाँ दोस्तों देखिए मैं आज के क्रोमा टून एप्लीकेशन में ऊपर करेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है, इस पर क्लिक करना है, नीचे इंपोर्ट कस्टम पे जाना है, ऊपर फ्राउन ड्राइव पे क्लिक करना है, यहाँ लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोड पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों इस पर क्लिक करके अपना जो करेक्टर है वो ले लेना है जो अभी हमने बनाया है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो करेक्टर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं इसे बड़ा करके भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए है बिल्कुल ड्रीम स्टोरी TV चैनल की तरह आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल इजी उसी तरह है। यहाँ फेस देखिए, इसका माउथ देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह ओपन है। दोस्तों आप भी इसी तरह जो अपना ड्रीम स्टोरी TV चैनल की तरह जो ओपन माउथ का करेक्टर है वो बना सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अब हम चलते हैं अपना जो वॉइस कैसे लें और कहाँ से लें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना 11lab। तो ये देखिए 11lab आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 11lab पर ऐसे करके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना जो मैटर है वो लिख लेना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए मैटर लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं एक बार की बात है। ठीक है, हमने लिख लिया है एक बार की बात है, एक बार की बात एक गाँव में एक चुड़ैल का साया था। तो इस टाइप का देखिए हमने लिख लिया है। अब दोस्तों हमको एक बात याद रखना कि आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको हिंदी में लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तभी आपका बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डैनियल, तो हम ऐसे करके बैक हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए डैनियल लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जाने के बाद दोस्तों देखिए ऐसे करके नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए ग्लिंडा करके, ये देखिए ये ग्लिंडा करके आपको देखने को मिलेगा, ये वाला करेक्टर ले लेना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हम ग्लिंडा ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों ये देखिए वॉइस आ गई। दोस्तों देखिए कुछ इस टाइम हमारी जो वॉइस है वो बन चुकी है, यहाँ से देखिए आप सुनकर देख सकते हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। देखिए बन चुकी है। और दोस्तों अगर आपको वॉइस ना पसंद आए तो यहाँ पर देखिए ये आइकन बना हुआ है एरो के, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपका जो वॉइस है और भी अच्छी, तो यहाँ से वॉइस आप चेंज कर सकते हो बार बार जैसा आप वॉइस लेना चाहते हो। दोस्तों यहाँ देखिए वॉइस लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ देखिए एरो का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखो ऊपर डाउनलोड का आ जाएगा, तो आपकी जो वॉइस है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह जो अपना वॉइस है वो एडिटिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग करके अपना जो वॉइस इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से अपने कार्टून वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।